सौदानी तेरा चूल्हा महंगता पेट में आराम से पड़ गो। आ भाई तू बता तेने पानी बहा दियो क्या? मैं पानी तो तू आप ही बहा दियो, मैंने तो घीसड़ी कर ली। बाप भली लेटरिंग बनाई है, हंग के जावे दुनिया और पानी गिर सरपंच। छोरा जा एक बाल्टी पानी गिर गया, मैं जल्दी जा। हाँ रे सिक्टर, कैसा आयो है? आ तेरा चूना भंगण को आया हूँ। हैं? हाँ बहुत तेज हंगास लग रही है, रुको ना जा रहा हूँ। ये रीड बकरी के तो मैं हंगा उठू रहा मैं। ओ नुक 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 ऐसे मत कर, ही नहीं निकल जाएगी। हट मेरे सुरे घिना होने, ही नहीं निकल जाएगी, ही नहीं निकल जाएगी। घिन नहीं आ रहा, हंगा तो अभी चूल्हा में निकल जा, चुपचाप ही सू। आ हंगने अंदर ना अपना चूना में। फिर वही बात। ओ बाप यू अनपढ़ है, लैटरिन घर में जो सीट रहे ना वही सु कहवे चूल्हा। हाँ हाँ जा की यू कह रहा ना वही मांगूंगो। ना हंगन दूंगा मैं भी। कहीं लू? अरे यू हमने अपने मारे बनवाई है प्राइवेट। प्राइवेट का ही लो, सरकार ने बनवाई, सरकारी है। हाँ घनी सरकारी है। छोरा बंद करा भी है शौचालय की वार्ड ने, करा भी। हाँ आज बंद कर दे यार, तेरा कहीं नहीं वापस चलना। सरपंच की लैटरिन का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। तो यह गांव को सरपंच मैं हूँ, कू अफसर है? मुँह ना पतो, मुँह इतनी पतो मैं शौचालय मांगूंगा। ओहो देखो सही मेरे सुरे, तार पुरखा तुम्हारे के घीसड़ी करते करते और तू हंगे को शौचालय में। देख सो नानी, पुरखा ने नहीं बखाना को नहीं कहा करेगो। मैं नुगानू तू सरपंच होएगा अपने घर को, हम तेरे घर नहीं खाने। तो हंगे भी मत तो मेरे घर है। हंगाई मानस में पाबंदी लगा रो तो पे गूं की बंदो लग जाएगी। अरे तू चलो जही सु, यही भलाई है तेरी। जा तो रहे हूँ मैं, अपन टाइम बताएगी, आयो तू वोट मांग लो। अरे तू जा जा अपनो काम कर, कोई जो देखी जाएगी। देखो सही मेरे सुरे, सिट्टल पिट्टल सहन नुक शौचालय में हंगेंगे हम तो, वो तो सरपंच की लिहाज कर गो, नहीं सुरे की हंगास ही नहीं निकाल दे तो जूती इनसु। बा बड़ी दिक्कत हुई, सावन का महीना में हंगास लगी, ना पूछ लू डैम बचे ना हंगल लू जीक बची, और हंगास देखती जा रही है। सिट्टल कहाँ जा रहा लब कोई? अरे मत पूछ। अरे बता तो सही। अरे तुमने कहा लेना तार ले, कहीं जाऊँ मैं? तुम अपना काम करो ना। वाड़ी श्यापू कोई परेशानी में तो जरूर है, बता नहीं रहो, चलिया के पीछे। सिट्टल ओ सिट्टल, अब बता तो सही कहाँ परेशानी है? तू कहा लेना मेरे परेशानी सु? आ लेनो की ना है, तू वोटर है ना हमारो? ना मैं ना उतार वोटर ने पोटरिया मेरे तल्लर छोड़ो। देख भाई तुझे मैं एक बहुत बढ़िया न्यूज बताता हूँ। हाँ भाई बताओ। इंडिया के एक नॉर्मल लड़का चला रहा है स्पोर्ट्स कार, जिसने वन विन के लकी ड्राइव कैंपेन में पार्टिसिपेट किया था, जिसकी कॉस्ट 100 मिलियन से भी ज्यादा है, और इसमें हर महीने कंपटीशन अपडेट किया जाता है। हैं? हाँ और अब आए हैं इसमें न्यू कार्स, टेस्ला साइबर ट्रक। अच्छा इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तुझे प्ले वन विन की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ जाकर रजिस्टर करना है, $10 का डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करते ही तुझे एक टिकट मिलेगा जो ऐसा दिखता है, उसके बाद जितनी बार गेम खेलोगे हर दिन एक टिकट मिलेगा। अरे वाह। हाँ यहाँ पर और भी बहुत सारे प्राइज हैं, जैसे BMW X7, जीप रैंगलर, और ये ड्राइव हर महीने की 15 तारीख को होता है, तो जितनी ज्यादा डिपॉजिट करोगे उतने ज्यादा विन का चांस होंगे। तो भाई जल्दी कर, वेट किस बात का, एक लग्जरी लाइफ तेरा इंतजार कर रही है। अरे वाह ये सही है। और भाई ये लोग कार जीतने के बाद सीधे विजेता के घर पहुंचा देते हैं, वन विन के लोग पहले भी कई कार दे चुके हैं और अब दे रहे हैं ये टेस्ला की साइबर ट्रक। पर इसका लिंक कहां मिलेगा? लिंक मेरे कमेंट बॉक्स में पिन है, जाओ विजिट करो और मेरा प्रोमो कोड विन1लक जरूर यूज करना। कर भाई ठीक है अभी साइबर ट्रक, इट्स अप टू यू सो गो फॉर एक्शन। लो मैं ना उतार बोटन पोटड़िया मेरे तल्लर छोड़ो। अरे ऐसे कैसे गुस्से से बोल रहे हो? हम बे यार टेंशन सी में तो लग रो, कहीं ऐसा ना हो टेंशन में कुछ हेस नियस कर दे दे। सही कह रहा सरपंच, मुँह ऐस लग रही है मरना चाह रहा हूँ, कहती हूँ फांसी लगाएगो कई गिरेगो कुआ में। अरे रोक यार, अगर यू मर गो तो मेरी ती एक बोट घट जाएगी, जल्दी पकड़िया। आ सिट्टल ओ सिट्टल, आ सिट्टल रुक तो सही, ये मेरे सुन मेरे पीछे ही पड़ गए, कहाँ है? आ मैं नु कह रहा हूँ बात तो बता, बात कहाँ है? आ छुपा कर लगे वाड़ी शैंपू, तू तुम सहूर कैसे ना है? आ सहूर लू मैंने कहा कह दी तो सू। आ तम मेरे पीछे गाइल पड़ा पड़ा हो। आ मैं नु कह रहा हूँ कोई घर की टेंशन होवे, कोई ऊंच नीच की बात होवे, तू हम लू बतावा, ए हम सुन जाएंगे वो। अच्छा बाड़े हो बतान लाग बात ना है, बतान लाग बात ना है। वाड़ी मुँह ऐसे लगे श्यापू यक बहु भग्गी दिखे। सही कह रहो। बदनामी के मारे ना बता रो बिचारो, जरूर मरण कोई जा रो यू, जल्दी पकड़िया है चल।
भाई सिट्टल ए तू टेंशन मत ले, भाग जान दे भागी। तो कौन भागी? तेरी बहू। एंड वकरिंग मेरा तो ब्याह भी ना हुई, बहू कहां से भागी? तो फिर परेशानी कहां, वा बता दे। आप बता लाखना है, मो जान दियो, मो जल्दी है। देख सिट्टल बताने तो पड़ेगी, ऐसे तो ना जान दियो हम। अरे श्याम छोड़ मो, तू इमरजेंसी है मौत। इमरजेंसी जावे भाड़ में, बात तो सिट्टल तो बतानी पड़ेगी। आ मो जान दियो, मेरे पेट कटा हो रहा है। मोहे पतो तेरे पेट में बहुत गम की बात है, ए वाहे बता दे। अरे बता लागना है, लिकड़ा हो रही है। कहा लिकड़ा हो रही है? अरे यू मरण को रियल की पटली पे जा रो है, नू कह रो नू रियल लिकड़ा हो रही है। अरे रियल ना लिकड़ रही, कुछ और लिकड़ रहा, छोड़ दियो। बता दे फिर, अभी छोड़ दूंगा नहीं इतना छोड़ू। अच्छा ना मानो, पूछ के ही मानोगे? हाँ पूछ के ही मानेंगे। बता कहा लिकड़ा हो रही है? पट्टी मैं खेत में जा रहा हूँ। हट मेरे सुर गिनावने, यह बात पहले बता सके तू? हम जन कहा कहा सोच रहे। आ कम से सोबर तो कही मैंने, बता लाख बात ना जान दियो मुए। तेरे सोबर नू तो कह दी, बता लाख बात ना है, ये बार नुबित बता सको हो, मैं हंग आयो हूँ। ए तू छोड़िया, जब कहा यू ही नहीं हंग देगो, जा भाई तू जा जल्दी सी। जी खराब कर दियो पूरा। आ मेरा सुनने घने टाइम खराब कर दियो, हिंत जन कैसे कैसे परेशान रो रखो। आ वाड़ी हिंत सही जगह हिंत बैठ जाऊं। ओ ओ रुक। आम कहाँ होगा? ए तू सरपंच की लैट्रिन में कहीं लहंग कायो? आ मैं हूँ नहीं गयो, वन हंगर ला दियो लैट्रिन में, बना दियो जब इत परेशान मैं। देख लियो और बना दियो वह सरपंच, पहले तो वन गरीबन को राशन कार्ड रोको और अब गरीबन की टट्टी रोक दी। भाई बहुत बुरा टाइम आ गो, ए अन्य अब गरीब आदमी हंग भी ना सके। वाड़ी तम बतला लियो, मैं हंग लूं। ए रुक रुक रुक। ए हम कहां होंगो? एक काम कर। कहां? तू कसम खा कि मैं कसम खाता हूँ। मैं कसम खाता हूँ, जब तक सरपंच लेटरिंग में हंगने नहीं देगा, जब तक सरपंच लेटरिंग में हंगने नहीं देगा तब तक नहीं हंगूंगा, तब तक नहीं हंगूंगा। ओए भाई ऐसी कसम ना खासू। अब तो खा ली। ए ये कोई तो नहीं खाता, और मुंह पे ना रुको जा रहा। देख ले कसम तोड़ दी तो ऊपर वाला तो कभी माफ ना कर से। हाँ और कहा मैं मर गो तो अब कहा करो जावे। अब चल अब सर पे सीधो, कंप्लेंट करेंगे। कंप्लेंट कहाँ होएगा? कंप्लेंट करते ही अफसर सौदानी सरपंच कर देगा सस्पेंड, फिर मो है यानी पुल्लर है बना दे गांव को नया सरपंच, फिर मेरे राज में जहाँ तहारो मन करे हूँ हंगियो, ए खाट पे हंगियो, लुंगीन भांगियो, खेतन भांगियो, ए जहाँ तहारो मन करे हूँ हंगियो, ए तमचु कोई कुछ ना कहने को, ए हंगने की पूरी आजादी रहेगी। यार कंप्लेंट तो बहुत काम की चीज है। आ इन तुमने कंप्लेंट की लग रही है, इन हमारा लैंड लिखड़ा हो रो। ए लैंड सुचाल्य में करियो, सौदानी सस्पेंड करवा के। आ गलत बात है, ऐसे कोई सस्पेंड ना करवा चाहिए। ए तो वाकी अब भी दया आ रही है, वो तो लेटरिंग में ना हंगन दे रहा। आ गलती वाकी ना है, गलती मेरी है, मैं लेटरिंग का नाम ना जानू, मैंने वहां से घर जाके नु कह दी के तेरा चूल्हा मंगूंगा। जब ही तो भगायो तू आने, नहीं तो सौदानी सरपंच बहुत बढ़िया आदमी है। दूर बढ़िया आदमी है, ऐसा तू अब हंगियान वक लेटरिंग में। मैं एक बार और जाके देख वक लेटरिंग में, अगर हंग लेन दे तो ठीक है, ना हंगन दे तो फिर वक कंप्लेंट कर देंगे। देख लियो अगर वन ना हंगन दे तो फिर कंप्लेंट में तमन मेरे साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है तो चल चलो। भाई सिट्टल सिट्टल तू ट्राई कर का, हम बैठे ही बैठ जा रहे। देख रो सियापु तू नए सरपंच करतूत, अपने घर है तो हंगन लुब अलग कमरा बनवा लियो और बाकी गांव वाले इन पे चार रहन लुब कमरा मत हो। बा सरपंच ए बात तो तू सही कह रहो, अपर मो तो गंदोस काम लगे, हूनी रहनो हूनी खानो और हूनी हंगनो। अब बता तू घिनावनी बात ना है? अरे घिनावनो तो तू भी कम ना है, खैर छोड़ अपर तू नू बता तो लगे कि सरपंच या हंग लेन देगो लेटरिंग में। बा मोहित भरोसा ना है? ना है तो सुरे कंप्लेंट करेंगा अफसर सु, फिर अफसर या सरपंच छीन के मोल देगो, फिर मैं बनूंगा सरपंच। फिर मैं कहाँ रहेंगो? तू है बना दूंगा सियापू ठेकेदार। भाई वाह मेरा नाम कितना जोर को लगेगा, सियापू ठेकेदार नुकनी कैसे भरवानी है? कस पे असलम सिंगर पे। तो सियापू ठेकेदार मेरे साथ देना पड़ेगा, ऐसे ना कर तू पलटी मार जा। ए सरपंच कैसी बात कर रहा हूँ, स्यापू बदल ना सके? फिर ठीक है तो।
भाई तो बड़ी जाकल नहीं लगी ए अन्नी, जो भी कोई आवे उनू नहीं घंग जावे हमें। वाड़ी छोरा नू बताए सो कहा करो जावे जो गांव वाले हम हंगनो बंद कर दे। बाप एक काम कर, तू हमें भूस भर दे, ना रही लेटरिन ना है कोई। वाड़ी छोरा सही कह रहो, तू डालावा और आज ही भराया हमें। चल फिर देखो तक मेरा सुर कैसे हंग जाया। छोरा तू हिम्मत खुड़ रहे, जय एक पोट और भर, मैं आ रहा हूँ फिर वाले लेन लू। सरपंच जी ए तू फिर आ गो। ए यार सरपंच लड़े का ही लो, तो लो हमने जी जान से वोट दी, आज ही सिला मिल रहा हम लू। तो भाई नू बता कहा सिला चाहिए तू है। बा अपनी लैटरिन में हंग लेन दे। आय हमें तो भूस भर दियो तमने। तो नू बता मैं और कहा करतो, सारो गांव यही महंग के जा रो है। माँ ये तेरी गलत बात है, यह बात की तो न मैं अफसर से संप्लेंट करूंगा। हाँ जा कर दियो, मुड़े तुड़े कुछ है ना नुक संप्लेंट करूंगा। देख ले सोदानी हड़का में ले रहा है। रैप बिना पीटे भाग जा तू, निकल जा चुपचाप। जा छोरा एक पोट और लेका। देखो तो सही हड़के में ना ले, बहुत भारी तगड़े हो तुम। आई मेर सुर सिट्टल ये बड़ी जल्दी आया हंक है, आया को हाजमा की देखती है जो भाई। आ सिट्टल होया यो फारिक। हां जी फारिक कहां से होते, हेटी चढ़ गई। हेटी चढ़ गई, कहां हेटी चढ़ गई? हंगास कैसे ओ मेर सुर बैठो न सरपंच की पहुंच, वाने वाम भूस भर दियो। काई में अरे वो सुचाल में जा में हंगने की सीट रहवे। छो वाने कैसे भर दियो वाम तूड़ा? अरा हम सुनू और कह रहो, ई पिराई बैठ सरकारी ना है और पुरखान और बखान रो हमारे ने। अच्छो सरपंच की टमाके भाई जासू धोंस दिखा रहो होएगो। तो मैं भी कहे सुरासु सरपंच होएगो तू अपने घर को। अच्छो फिर कहा हमने भी सुरी हंगास हेटी चढ़ा ली। अब तो जब ही हंगड़ो जब यहाँ पे सरपंच छिन जाएगी। ये हो गए बात मर्दन वाली, फांस काट दी सिट्टल तेने। तू तो नु कह रहो चढ़ गई, पर यू आवाज तो कुछ और कह रही है। अरे दम मजाक मत करो, चलो संप्लेंट करने चल रहे अफसर के पिए। चल सरपंच जल्दी चल, एक खतरा घंटी बज रही है। हाँ जी बताओ कैसा आना हुआ? बता भाई सिट्टड़। हाँ होता है, कोई बात नहीं अब बोलो। अरे शर्माओ मत बोलो। अरे क्या हुआ खड़े क्यों हो गए? जी जनाब मैं बैठ रहा हूँ ना, कुर्सी सन जाएगी। क्या मतलब? मतलब जनाब यू हंग आयो है तो भाई जाओ हंग के आओ। अरे जनाब यू तो परेशानी है, यू हंग ना सके। हंग नहीं सकता क्यों भाई? अरे जनाब लेटरिन कैसे करे, शौचालय में तो सौदानी सरपंच ने भूस भर दियो है। हाँ क्यों झूठ बोल रहे हो, सौदानी सरपंच ऐसा नहीं कर सकते। कर दियो और यकीन ना हो तो चल के देख लियो। चलो अगर तुम्हारी बात सच हुई तो अभी सौदानी को बर्खास्त करके पुल्लर जी तुम्हें सरपंच बना दूंगा। चलो जी अब बड़ी हाया में तूड़ो भर दियो, मेरी सुसरी को कोई हंकेत दिखा है। सौदानी जी ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे बाबूजी अब नूलू कहा देखो, नूलू तो गंदी जगह है लेटरिंग, अब नूलू आओ मैं कहा दिखाऊं। अच्छा तो बाबूजी लो रिश्वत देने की सोच रहे हो? ओ ओ भाई आ तूड़ा तो खल जान दे जब हंग लियो, यही महंगे को के बा पुल्लर अब ना रुको जा रो, बहुत तेज परेशान है। आ भाई थोड़ी देर रुक जा, बात चल रही है अभी। आ तुम समझ ना रहे हो, कंप्रेसर को परेशान है, पूरी ऐसी मारूंगी दीवार सन जाएगी। ए भाई थोड़ी देर रुक जा, ए सरपंच को फैसला हो जान दे, ए फिर तू खूब हंगियो। बाबूजी लियो जी 100 रुपया। हराम खोर
100 रुपए क्यों खाते हमारी? अच्छा ले बाबूजी 200 रुपए। खोर 200 रुपए क्यों खाते हमारी? अच्छा अच्छा बाबूजी नाराज काई हो, ले जी 500 रुपया। हराम खोर 500 रुपए क्यों खाते हमारी? बाबूजी अब ना। हाँ जी ना है तो चलो। सुनो, सौदानी सरपंच को पंचायत अधिकारी को रिश्वत देने के जुर्म में, सरकारी शौचालय में घूस भरने के जुर्म में सस्पेंड किया जाता है। आज के बाद गांव के सरपंच पुल्लर जी होंगे। पुल्लर सरपंच जिंदा। सौदानी जी को आदेश दिया जाता है, आज से पूरा पंचायत घर, पंचायत की लेटरिन, पंचायत की मोहर और सारे कागजात पुल्लर सरपंच को दिए जाते हैं। ठीक है जी बाबूजी, दे देंगे। तो पुल्लर जी आपको पता है ना ग्राम सरपंच को क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं? जनाब एक मिनट रुक जाओ बस। अब बताओ जी सरपंच कहाँ कहाँ काम करना पड़े है? तो सुनो, पहला काम पूरा गांव लेटरिंग में हंगेगा और आप साफ करोगे। दूसरा काम, अगर कोई गांव का अपाहिज व्यक्ति आ जाता है, मान के चलो उसके हाथ ना हो, तो आपको धोनी भी पड़ेगी। मतलब सरपंच का काम है पूरे गांव में सफाई रखना। अगर कहीं भी किसी रास्ते में या किसी जगह पे कोई भी गंदगी मिली तो आपको सस्पेंड करके सौदानी को फिर से सरपंच बना दिया जाएगा। बाबूजी मो हंगास लग रही है, तो जाके हंग लो। आप बाबूजी अब तूड़ा साफ हो जान देते है, जब हंग ले तो यूं। अरे हंग लेने दो, एक साथ साफ कर देना तूड़े को भी और टट्टी को भी। अच्छा ठीक है, मैं तो चलता हूँ। ठीक है बाबूजी। बेटा बहुत बात लगा हुए हो ना, अब कर पूरे गांव की टट्टी साफ। अब पता चलेगी तो सरपंच कैसी हो वे। ठीक है ना? और सुन, हम सुरे दो बार हंग लेटरिन हंगन लू, पतलो खांगे और पतलो हंगेंगे। चल रहे बेटा अब कर तो रे सरपंच तू। और भाई श्यापू तू कैसे खड़ो? अरे या के बाद मैं भी थंगूंगो। वाह वाह, हमने सरपंच बनते ही पूरा गांव हंगाया मर गो, और तू कद निकलेगो? निकल जाऊंगा 2025 में। हम